आज हम लोग आ चुके हैं हंगर रैकर्स कैफे में एंड इसका लोकेशन बता दे तो ये अनीसाबाद के मेडिकाना के जस्ट सामने में पड़ता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सैंडविचेस ओनली एट 19 रुपीस और नीचे लिखा हुआ है पिज्जा ओनली एट 47 रुपीस। तो गाइज ये कैफे बेसिकली अपने चीप प्राइसेस के लिए बहुत ही फेमस है अनीसाबाद एरिया में और पटना एरिया में। तो चलिए चलते हैं अंदर और कैफे को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग स्प्रेड हमारे टेबल पे है। तो आपको बारी बारी बताते हैं, ये है क्लासिक मोहितो, ये है 69 रुपीज़ का, ये है ओरियो शेक, ये है 89 रुपीज़ का, ये है सुप्रीम पिज़्ज़ा वेज, ये है 139 रुपीज़ का। एंड आपको जो वॉल पे दिखाए थे कि यहाँ 19 रुपये में दो सैंडविच मिलता है, वो ये सैंडविच है। ये आप देख पा रहे होंगे आपको 19 रुपये में सैंडविचेस बहुत कम ही जगह पर मिलते होंगे। एंड ये आप देख सकते होंगे ये जो डिलीशियस है ये है सुप्रीम बर्गर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे अपने पिज़्ज़ा को। तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा बेस्ट सुप्रीम पिज़्ज़ा एंड इस पर वेजीज देख सकते हैं, इस पर कॉर्न वगैरह है, जलेपिनो वगैरह है और ऑलिव्स वगैरह है और चीज़ भी है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। गाइस पिज़्ज़ा ऑसम है, इसका बेस भी फ्रेश है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगा कि ख़राब जैसा। इसमें सारा टॉपिंग से लेके बेस इसका पूरा फ्रेश लग रहा है। एंड थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लेने के चक्कर में लेट हो गया, नहीं तो पिज़्ज़ा और ऑसम लगता जब गर्म होता। तो गाइज अब इस डिलीशियस आइटम को टेस्ट करने जा रहे हैं। एंड सॉरी, इसका नाम मॉन्स्टर जिंजर बर्गर है और ये चिकन बर्गर है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू इट्स ह्यूज, इसको आपको खाने के लिए 2-3 आदमी की मदद लेनी पड़ेगी। तो गाइज अब इसको उठाते हैं, आपको फीलिंग्स दिखा दे। ये आप देख सकते हो ये चिकन के पैटी है कितना बड़ा है और ये दो पैटीज है, एक यहाँ पे है और एक इस पन के बीच में है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। टू गुड, तो गाइस आपको बता दें कि पहले ये बर्गर आया था जो कि सिंपल था एंड उसके ऊपर फिर से लिक्विड चीज़ डाला गया है जो कि ऑसम लग रहा है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस बर्गर को। यू मस्ट ट्राई दिस, ये ऑसम है। एंड इस ओरियो शेक को ट्राई करते हैं, आप देख सकते हैं ओवरफ्लो हो रहा है। ये भी ऑसम है गाइस, ये बहुत ही चॉकलेटी है इसका टेस्ट आपको बता दें। और इसके ऊपर ओरियो का क्रम्बल्स डाला गया है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। तो गाइस अब फाइनली आप जिसका वेट कर रहे थे वो आइटम है ये। ये है 19 रुपीज़ का सैंडविच जो कि शायद ही कहीं 19 रुपीज़ का सैंडविच कोई कैफे वगैरह बेचता होगा। एंड आपको इसका फिलिंग्स दिखा दें, आप देख पा रहे होंगे इसमें वेजेस वगैरह डला हुआ है और सॉस वगैरह वगैरह है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। 19 रुपीज़ का सैंडविच, तो गाइस इसका थोड़ा थोड़ा आपको होता है ना पिज़्ज़ा का टेस्ट आ रहा है क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा का टॉपिंग्स जो मेनली होता है वो सारा का फिलिंग्स है इसके अंदर और हल्का सा चीज़ भी डाला गया है। तो ओवरऑल 19 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा है ये, इसको आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड आपको बता दें कि अगर सस्ते सैंडविच के साथ आपको मोहितो मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये भी आपको टेस्ट करके बताते हैं, ये है क्लासिक मोहितो, ये 69 रुपीज़ का है। सो मच रिफ्रेशिंग, ये मोहितो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, आप इसको पियोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लेमन का टेस्ट आएगा, ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। तो गाइज ये है लास्ट आइटम और हम जिसके लिए आए हैं वो वाला आइटम, ये है आज़ादी पिज़्ज़ा एंड ये बस 47 रुपीज़ का है।
तो आपको दिखाते हैं, आप देख पा रहे होगे, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है 47 रुपये पिज्ज़ा में भी चीज़ फुल होता है। चलिए इसमें टेस्ट करते हैं। आप इसमें वेजेस देख सकते हैं, कैप्सिकम है, टमेटोज वगैरह है और ओनियंस वगैरह है। इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये पिज़्ज़ा रेडीमेड बेस पे बना है एंड आपको बता दें कि 47 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, क्योंकि इस पर सारा वेजेस और टॉपिंग्स भी अच्छा सा है एंड चीज़ भी है, क्योंकि काफ़ी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो 47 के हिसाब से अच्छा है, पर ये हल्का सा और बेक रहता तो बहुत बढ़िया लगता, पर ओवरऑल यू कैन ट्राई इट हियर। तो गाइस ये था हंगर कैफ़े, जहाँ पर मिलता है बस आपको 19 रुपीज़ में सैंडविच एंड 47 रुपये में पिज़्ज़ा। एंड आई चैलेंज यू कि आपको पटना में कहीं और भी इतना सस्ता सैंडविच और पिज़्ज़ा नहीं मिलने वाला है, और कहीं मिलता भी होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।